हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं देखे आई हूँ अपने बाड़ी में मीठा पत्ती तोड़ने के लिए। इडली बना रहे हैं ना हमारे यहाँ, तो मैं मीठा पत्ती तोड़ने आई हूँ दोस्तों। देखे ताज़े ताज़े फ्रेश है मीठा पत्ती, और इस तरह से मैं मीठा पत्ती तोड़ ली हूँ दोस्तों। और इस तरह से मीठा पत्ती तोड़ ली हूँ दोस्तों, और चलेंगे घर की तरफ। ये बंदर लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं दोस्तों, पूरा तहस नहस कर देते हैं। ये देखिए मैं मीठा पत्ती ले ली हूँ ताज़े फ्रेश, और हम लोग चलते हैं अपने घर की तरफ। यहाँ पे देखिए जो गेंदे का फूल था ना, वो पूरे सूख गए हैं दोस्तों। पूरे सीजन में तो अच्छे रहते हैं, अभी थोड़ा सूख गए हैं। और मैं इधर मीठा पत्ती को धो देती हूँ ताकि उसमें कंकड़ वगैरह धूल उल ना रहे, तो इसलिए मैं मीठा पत्ती को धो देती हूँ दोस्तों। और धो के घर की तरफ चलते हैं। इस तरफ पानी फेंक देती हूँ मैं, नहीं तो ड्रम में गिर जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं रहेगा ना। और यहाँ पे देखिए बैटर तैयार करने के लिए चावल और दाल को भिगो के रखे थे हम लोग, तो इसको मिक्सी में पीसना है दोस्तों। फ्रेश बिना छिलके वाले है ना, उसी को यूज़ कर रहे हैं हम लोग। मम्मी और मैं बना रहे थे इडली। और यहाँ पे दाल को मैं मिक्सी में पीसने के लिए जार में रख रही हूँ, और फिर मिक्सी में पीसूँगी। देखिए दोस्तों इस तरह से होता है घर का काम, सुबह सुबह या फिर नाश्ता पानी खाना वाना ये सब घर के काम में लग जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं बैटर तैयार कर दी हूँ। इसमें नमक मिलाई हूँ, और नमक मिला के इसको अच्छे से घोल रही हूँ ताकि सब नमक अच्छे से घुल जाए और हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो। तो इस तरह से मैं तैयार कर दी हूँ दोस्तों, और इसको रख के ढक के रात भर हम लोग रख देंगे। फिर सुबह इसको बनाना है, क्योंकि खमीर उठने के लिए इसको टाइम देना पड़ता है ना इडली को, इसलिए। और इस तरह से मैं ढक के रख दी हूँ दोस्तों। दूसरे दिन जब मैं सो के उठी दोस्तों, तो मैं देखी माँ नहा ली थी, कपड़े वगैरह सुखा रही थी, और कुछ बड़ी वगैरह थे ना उसको धूप में सुखा रही थी। तो इस तरह से वो पहले नहा ली थी और धूप में थी, धूप ले रही थी वो। तो मैं उनके पास में ही बैठी थी, थोड़ी देर के बाद मैं आई तो माँ को देखी कि नहा ली, धूप ले रही थी। और माँ और मैं हम लोग दोनों बात कर रहे थे, बागान के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों। तो मैं उनके पास में बैठी थी, मुझे भी अंदर में ठंडी लग रही थी। यहाँ पे मैं जब देखी तो किचन में जब मैं देखी तो वो नाश्ता बना ली थी दोस्तों, मतलब इडली को बना ली थी वो मेरे उठने से पहले। यहाँ पे चटनी भी तैयार कर दी थी, इडली भी बन गया था, तो इस तरह से नाश्ता तैयार हो गया था दोस्तों। बाकी लोग तो खा लिए थे नाश्ता, मतलब कर लिए थे, और मैं नाश्ता देर से की, क्योंकि मैं देर से ही सो के उठी ना। यहाँ पे मैं हरी चटनी बनाई थी, और जो भल्ली के चटनी बने थे ना उसमें मैं इडली को खाई, और कुछ बचे थे इडली दोस्तों यहाँ पे देखिए। और इसको खा के हम लोग चले गए फिर घर के, इसको खा के हम लोग निकले हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल की तरफ निकले, यहाँ पे देखिए कितना सुंदर अच्छा नज़ारा है ओवर ब्रिज का। तो इस तरह से हॉस्पिटल निकले हम लोग। हॉस्पिटल जब मैं पहुँची, मैं और माँ जब हम लोग पहुँचे, तो यहाँ पे देखे कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एंट्री दे रहे थे। बिना मास्क का एंट्री नहीं दे रहे थे, मास्क लगा के ही एंट्री मिल रहा था यहाँ पे। और हम लोग नंबर लगाए हुए थे दोस्तों, यहाँ पे बैठे हुए थे मैं और माँ। देखिए नंबर लगा के हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पे। मैडम दूर से ही चेक कर रही थी, कोरोना वगैरह के कारण दूर से ही चेक कर रही थी मैडम, दूर से ही बैठाई हुई थी जो भी मरीज़ थे उनको। और माँ अपना चेक करवा ली, और हम लोग चलते हैं दूसरे काउंटर की तरफ दवाई लेने के लिए। तो दूसरे काउंटर में दवाई लेने आए हैं दोस्तों, ये देखिए। इस तरह से हम लोग दूसरे काउंटर में आए दवाई लेने के लिए। मैं दूर से खड़ी हुई थी और माँ लाइन में लगी थी, और यहाँ पे वो अपना दवाई ले रही थी, मैं वीडियो शूट कर रही थी दोस्तों, और इंतज़ार कर रही थी मम्मी का दवाई लेके आएगी करके। और वो अपना दवाई ले ली, महीने भर का दवाई था उसको अपना ले ली। सरकारी हॉस्पिटल है ना, तो इसलिए
वहाँ पे फ्री में इलाज होता है और दवाई एक साथ दे देते हैं। तो अपना बीपी का दवाई लेने आई थी माँ, तो बीपी का दवाई लेके फिर हम लोग घर की तरफ चलते हैं। बीपी का दवाई वो रिपीट करने के लिए आई थी, हर महीने बीपी का दवाई लेना पड़ता है ना, तो इसलिए। और यहाँ पे अपना स्कूटी, हम लोग का स्कूटी रखा हुआ था, हम लोग अपने स्कूटी के पास में आ गए थे। फिर माँ को जाना था वाशरूम, तो वो वाशरूम जाऊँगी करके बोली, और वाशरूम के लिए पास में जो बना था वहाँ पे गई। और ये देखे दोस्तों, हम लोग मार्केट में होके आए, थोड़ा सा मार्केट में, फिर मैं अपनी सहेली के घर पे आ गई। रास्ते में मेरी सहेली का घर पड़ता है, तो वहाँ पे उससे मिलते हुए घर पे जाएंगे करके अपनी सहेली के घर आ गई। तो इस तरह से दोस्तों उनके साथ मेल मुलाकात हुई, और हम लोग देखे अपनी सहेली से मिले, और मिलते हुए फिर घर की तरफ निकले दोस्तों। मेल मुलाकात हुई, थोड़ा बहुत माँ बात करी, और कुछ जो भी बचा हुआ था मेल भेड़ जो भी था। ये देखिए इस तरह से नज़ारे हैं उनके गांव का, उनका गांव और मेरा गांव थोड़ा दूर दूर में है, तो हम लोग रास्ते में पड़ा, तो एक बार मिलते हुए जाते हैं करके आए थे हम लोग। बहुत दिन हो गया था मैं अपनी सहेली से नहीं मिली थी, कॉलेज टाइम की थी वो। और हम लोग अपने घर के लिए निकले और घर में आ गए दोस्तों, घूम घूम के घर आ गए दोस्तों। देखिए तो आज हम लोग मार्केट गए थे दोस्तों, और मम्मी का दवाई भी लिए उधर से, और मेरी सहेली के यहाँ भी गए थे, मिलते हुए आए। रास्ते में उनका घर पड़ा तो, और इस तरह से मैं अपने घर पे भी आ गई। मुँह हाथ भी अभी धो ही नहीं हूँ, और छोटा सा क्लिप दिखाई हूँ दोस्तों। तब तक से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक से बाय।